हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग टेक्निक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग और इसके प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स और रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी जानेंगे और भी चीज़ें जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए तो आप लोगों को मिल सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी ब्लड ग्रुपिंग टेक्निक्स के बारे में जान सके अच्छे से। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा देखेंगे लैंडस्टीनर लॉ देखेंगे, तीसरा देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुपिंग होते हैं, और चौथा देखेंगे कितने टाइप्स से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को, एंड टेक्निक्स देखेंगे। उसमें सबसे पहले फॉरवर्ड देखेंगे, जिसको सेल ग्रुपिंग भी बोलते हैं, और रिवर्स ग्रुपिंग देखेंगे, जिसमें हमको सीरम ग्रुपिंग भी बोलते हैं। फॉरवर्ड ग्रुपिंग यानी सेल ग्रुपिंग, जिसमें हम लोग सेल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस इसमें सबसे पहले है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? जब भी कोई पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, तो कोई भी इंडिविजुअल जब ब्लड डोनेट करता है तो उसको डोनर बोलते हैं, और जो रिसीव करता है यानी पेशेंट जो रिसीव करता है उसको रिसिपियंट बोलते हैं। जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज मतलब एक पेशेंट में चढ़ाया जाता है उसको ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। ट्रांसफ्यूजन में इसलिए इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि अगर मिसमैच एपीओ मतलब एपीओ एंटीजन्स हुए, मतलब आरबीसीज हुए मिसमैच, जैसे में कोई भी इंडिविजुअल है जिसमें ए ब्लड ग्रुप का ब्लड है उसमें, और हम लोग उसको चढ़ा रहे हैं बी ब्लड ग्रुप का, तो उसमें क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा और इस आरबीसी पे अटैच्ड होकर उसको एग्लूटिनेट कर देगा और ह्यूमिलिटी कॉज कर देगा, जिसके कारण उसके बॉडी में चढ़ाने को कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, एनीमिक हो जाएगा पेशेंट। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मेजर माइनर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं लैंडस्टीनर लॉ की। तो इसमें क्या है, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अगर कोई आरबीसी है तो उसके सेल सरफेस पे अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं रहेगी, या कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीजन सेल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सेल सरफेस पे, फर्स्ट पिक्चर में सेल सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर सेकंड पिक्चर की बात करें तो उसमें हमारा बी एंटीजन सेल सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट में ए एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट है, और तीसरे पिक्चर में आप देखेंगे तो इसमें ए और बी दोनों एंटीजन सेल सरफेस पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। और चौथे पिक्चर में दिखाया गया है कि एक रेड सेल है जिसपे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी जिसको हम लोग ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं, जिसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगी। यही फिनोमिना हमारे लैंडस्टीनर लॉ कहलाते हैं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप के टाइप्स के बारे में। तो ब्लड ग्रुप का टाइप्स जो है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे डिफाइन किया गया है 4 टाइप्स में। ये केवल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के टाइप्स हैं, जिसमें हमारा पहला आता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, जिसमें सबसे फर्स्ट में जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें दिखाया गया है कि जब सेल सरफेस पे ए एंटीजन और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। जब आरबीसी के सेल सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप, और जब सेल सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन सेल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं ए और बी, इसलिए उसको बी ब्लड ग्रुप ओ बोला गया है और यूनिवर्सल डोनर बोला गया, क्योंकि उसके सेल सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। और ए बी को एक्सेप्टर बोला गया है क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप टेक्निक्स के बारे में, कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है फॉरवर्ड ग्रुपिंग है और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग को हम लोग सेल ग्रुपिंग भी बोलते हैं, और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग को हम लोग सीरम ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं। सेल ग्रुपिंग का मतलब है कि इसमें हम लोग सेल यूज़ करते हैं, यानी ब्लड को हम लोग यूज़ करते हैं जब टेस्ट के लिए, और जो ब्लड होता है उसके सेल सरफेस पे, जैसे मैं आप लोगों ने टाइप्स में देखा कि उस पर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जिस भी ब्लड ग्रुप का होगा तो उस पर एंटीजन प्रेजेंट होगा, उस एंटीजन के अगेंस्ट हम लोग आर्टिफिशियल एंटीबॉडी यूज्ड करते हैं। जब एबीओ जब ब्लड किट आता है, एडीओ ब्लड ग्रुपिंग के किट आते हैं, उसमें हमारा जो रिएजेंट होता है उसमें होता है एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। एंटी डी को अभी हटा देते हैं क्योंकि उसको हम लोग यूज़ करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव यानी आर एच एंटीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए।
तो जो किट आता है उसमें ए और बी और डी होता है, तो हम लोग उस एंटीबॉडीज़ को एज ए यूज़ करते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो एंटीबॉडी क्या होती है कि जब सेम एंटीजन से वो रिएक्ट करती है तो क्लम्प का फॉर्मेशन कर देती है, वही हमारा रिजल्ट होता है, जैसे मैं आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और रिवर्स ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि इसमें हम लोग पेशेंट का सीरम यूज़ करते हैं और हम लोग पूल्ड सैंपल यानी नॉन ब्लड ग्रुप को, हम लोग ब्लड ग्रुप के सेल्स को ले लेते हैं। लेने के बाद से हम लोग वॉशिंग प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन बनाने के बाद से हम लोग इसमें यूज़ करते हैं और इसमें डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी को और रिजल्ट देते हैं। ये दोनों प्रोसीजर इसलिए किया जाता है कि जो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग हमने किया है उसको देखने के लिए कि सही है या गलत रिजल्ट आया है, इसको करने के लिए हम लोग रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग को यूज़ करते हैं। अगर बात करें इसके प्रिंसिपल के बारे में, तो इसका प्रिंसिपल जो होता है हीम एग्लूटिनेशन पे बेस्ड होता है, जिसमें जो एंटीजन होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से रिएक्ट करके एग्लूटिनेशन का फॉर्मेशन करता है। दोनों में बस ये डिफरेंस है कि एक में हमारा जो सेल होता है वो अननोन होता है, आरबीसी अननोन होता है, जिसमें फॉरवर्ड में जिसमें हम लोग एंटी सीरा जो होता है वो आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं, और दूसरे में हमारा सेल होता है जो नॉन होता है, जिसमें हम लोग अननोन सीरम यूज़ करते हैं यानी पेशेंट का सीरम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट्स के बारे में। पहले हम लोग तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इसमें जो होता है वो एबीयू किट होता है, जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया गया है। उसके बाद से इसमें होता है एक स्लाइड होता है, ग्लास स्लाइड लेते हैं। उसके बाद से होता है लेंसेट होता है, एप्लीकेटर स्टिक होता है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट है अगर वो ब्लड सिरिंज से निकलवाया है तो उससे हम लोग कर सकते हैं, या हम लोग वहाँ पे लेंसेट से प्रिक करके ब्लड ले सकते हैं। अब इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग तीन स्लाइड लेंगे, उस पर मेंशन करेंगे ए बी और डी। उसके बाद उसमें वन वन ड्रॉप हम लोग ब्लड ऐड करेंगे तीनों स्लाइड पे। ऐड करने के बाद से हम लोग उसमें एंटीबॉडी ऐड करेंगे यानी एंटी सीरा ए बी और डी, जिस जिस स्लाइड पे मेंशन होगा उस स्लाइड पे हम लोग ऐड करेंगे ए बी और डी। ऐड करने के बाद से उसको मिक्स करेंगे अच्छे से, 2 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद से एग्लूटिनेशन देखेंगे, जिसमें एग्लूटिनेशन होगा वो हमारा ब्लड ग्रुप होगा। यानी रिजल्ट में जैसे मैं आप देख पा रहे हैं ए और बी में एग्लूटिनेशन है और डी में नहीं है, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी निगेटिव होगा, ठीक। ये जो डी होता है वो डिटरमाइन करता है निगेटिव और पॉजिटिव यानी आरएच एंटीजन को, ठीक। अब बात करते हैं रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इसमें हमारा जो मेथड होता है वो ट्यूब मेथड और स्लाइड मेथड दोनों कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे ट्यूब मेथड कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होता है ट्यूब होता है, सैंपल होता है और नॉन ए और बी पूल सेल होता है, ठीक। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं 5% नॉन सेल सस्पेंशन का, यानी सेल सस्पेंशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद से उसमें हम लोग 1 to 2 ml ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद से उसमें 2/3 यानी 3 पार्ट जो ट्यूब का होगा उसमें 2 पार्ट हम लोग नॉर्मल स्लाइन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 RPM पे 5 मिनट के लिए। तो ऐसे हमारा सुपरनेटेड फ्लूड सेपरेट होगा, उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। यही प्रोसीजर हम लोग 3 टाइम करेंगे नॉर्मल स्लाइन को ऐड कर करके। उसके बाद से जो रिमेनिंग RBCs होंगी उसको हम लोग लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, अलग टेस्ट ट्यूब में 50 μL RBC लेंगे और 950 μL नॉर्मल स्लाइन लेंगे, जिसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। वो हमारा रेडी हो गया 5% सेल सस्पेंशन। अब प्रोसीजर की बात करें तो 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसपे ए और बी मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद से हम लोग 2 2 ड्रॉप सीरम लेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में। दोनों टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद से उसमें हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन ऐड करेंगे, जो भी हम लोग सेल सस्पेंशन बनाए थे उसमें से भी ऐड करेंगे। यानी जिसमें मार्क होगा ए और जिसमें बी, तो उसमें ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद से रिजल्ट उसमें देखेंगे तो ट्यूब में हमारा एग्लूटिनेशन जिस ट्यूब में शो होगा तो वैसे रिजल्ट देंगे। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे जो ए है उसमें एग्लूटिनेशन हुआ और बी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ए है उसमें हम लोगों ने ए एंटीजन डाला है यानी रेड सेल ए डाला है, जिसमें हमारा अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है तो उसमें एग्लूटिनेशन हो जाएगा, यानी इसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट था। और जैसे मैं हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें हमारे प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा वो बी ब्लड ग्रुप होगा।
और जो दूसरा दिख रहा है उसमें हमारे में बी में एग्लूटिनेशन शो हुआ है, जिसमें हमारा ए ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि हमारे जो बी ब्लड सेल्स होते हैं उसके प्लाज्मा में हमारे ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग तीसरे स्लाइड में देखें तो दोनों में एग्लूटिनेशन हुआ है, क्योंकि ए जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोनों में एग्लूटिनेशन हुआ है। इसी तरह चौथे स्लाइड में भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ए और बी जो ब्लड सेल होते हैं उस पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, हालांकि उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो तब तक ले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।